दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे जो वैकेंसी निकली है फ्रेशर्स के लिए। मैं देखो बात करता हूँ कि जो लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और वो अगर इन ब्रांचों से संबंध करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन और लाइब्रेरी साइंस से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और क्या है अपना एक्सपीरियंस पा सकते हैं, सबसे बढ़िया मौका है। तो दोस्तों मैं इस बात को बताने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, ये पूरी मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को कट ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल सेलेक्ट करें, क्योंकि हम नोटिफिकेशन लाते हैं आप लेट हो सकते हो, क्योंकि ये एक वॉकिंग इंटरव्यू है और ये बहुत कम होता है कि एक्चुअली वॉकिंग इंटरव्यू होता है तो फिर टाइम निकल जाता है तो आप अटेंड नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेस आपको दिया है, जैसे कि मैं बात करूँ पहले स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो LPSC में है, पहले बात कर लूँ। तो दोस्तों बात करूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में वैकेंसीज है 40। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे मांगा गया है कि फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, 4 और 3 ईयर ड्यूरेशन का, ठीक है। उसमें आपका क्या है, अगर परसेंटेज वाइज है तो 65% से कम नहीं होना चाहिए, CGPA में तो 6.84 से कम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्राइटेरिया है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि भाई ये ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम तक आप ये कर पाओगे, एक्चुअली ये अप्रेंटिस है, कितने टाइम कर पाओगे, तो 1 ईयर। कितना रुपए मिलेगा, तो 9,000 रुपये। नेक्स्ट बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं, सेम क्राइटेरिया है सेम, लेकिन क्या है कि आपका पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए डिग्री, केमिकल से तो केमिकल से होना चाहिए, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से होना चाहिए, केमिस्ट्री से जो भी है बस रिलेटिव होना चाहिए डिग्री, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से है। 7 वैकेंसी दोस्तों, 1 ईयर ड्यूरेशन है, 9,000 रुपये सेम है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 वैकेंसी हैं, केमिकल के लिए 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 वैकेंसी है, सिविल के लिए 4 वैकेंसी हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसी हैं। सेम क्राइटेरिया है वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई लाइब्रेरी साइंस के लिए, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए 6 वैकेंसी हैं, जो मांगा है बैचलर डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास BLISC विद नॉट लेस देन 60%, यहाँ पर 60% से कम नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर वही है और ड्यूरेशन भी 1 साल का है और 9,000 रुपये का ही रखा गया है, ठीक है। तो मतलब आप क्या है कि इसमें बहुत अच्छा मौका, देखो आप एक्सपीरियंस लेने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं, बाद में आप अच्छी जगह जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या है कि आप इस वॉकिंग इंटरव्यू को अटेंड जरूर करें, मैं तो बस यही बोलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा भाई टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 73 वैकेंसी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये क्या है कि भाई ये होने वाला कहाँ पे, तो मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखा दूँ, ये जो है, ये जो होने वाला है 22 तारीख 22/12/2019 संडे को होने वाला है, सुबह से शाम को, सुबह 9 बजे चलेगा, शाम को 5 बजे तक। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि भाई ये होने वाला कहाँ पे, तो ये होने वाला है दोस्तों HSS, ठीक है, ये दिया हुआ पूरा केरला में, जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है सेंट मेरी HSS पट्टम तिरुवनंतपुरम केरल। तो दोस्तों यहाँ पे होने वाला है, पूरा एड्रेस आपके सामने है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखो जो वर्किंग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या, भाई आपको क्या क्या करके सोच सोच के जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, कोई पहुँच गया तो रिजेक्ट ना हो जाए, वो चीज़ भी तो सोचनी अपने को। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या क्या क्राइटेरिया दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जो अभ्यर्थी अप्रैल 2017 में या के बाद इंजीनियरिंग डिग्री जिसने किया है, मतलब 2017 के बाद आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ मैं बताया कि भाई दो मार्च 2020 तक शिष्यता के पात्र होंगे तथा मार्च 2020 के बाद उनके नाम में जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद 2017 के बाद जो भी है पास हैं वो लोग यहाँ पे बढ़ सकते हैं, वो जो लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली ये है यहाँ पे जो जो लिखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो, आपको पूरे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका सब कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ठीक है, फाइनली तो यहाँ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, सारे आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट भी दिया हुआ है, एज लिमिट दिया है 35। ठीक है, OBC हो तो 40, ST SC हो तो 10 ईयर प्लस करते जाओ। ठीक है दोस्तों, अब बात देखो बहुत सारे कि भाई क्राइटेरिया जो होते हैं, कि क्राइटेरिया के आप फॉलो करके जा रहे हो तो लेता है कंपनी, अगर आप नहीं लेके जाते हो, क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करते हो, तो आपको वो वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इन क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। और कैंडिडेट शुड देखो, यहाँ पे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट जो भी होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देखो आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, हैं सारी कॉपी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट की जो वॉकिंग इंटरव्यू देने जा रहे हो समय, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी आपके पास है। ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सीधा लिखा है। अब बात आती है दोस्तों, देखो और देखो आवास की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, आपको खुद से व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है सीधे सीधे अक्षरों में। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हम हमारा कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप अपना डॉक्यूमेंट बायोडाटा लेके जाएं, डायरेक्ट सबमिट करें और अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो सिलेक्शन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। तो यहाँ मैं दिया हुआ बाद में समय की जीवन व्रत आवेदन की छानबीन की जाएगी और डिग्री स्तर पर, मतलब जो डिग्री के आधार पर आपको चयन किया जाएगा, आपका जो पढ़ाई है उसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखा है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि देखो अच्छा मौका है, अच्छे मौके को ऐसे नहीं ठुकराना चाहिए और अच्छे मौके को पकड़ लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम दोबारा दूसरी लेके आएंगे कोई वैकेंसी, जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो।